स्पायरो नाम का बंदा यार मेरे लॉबी में आ गया, और वो भी एक सूट वाला। और ये देखो हमने उसको फेल दिया, वो भी अपने तरीके से। तो पहले यहाँ देखो, एक नंबर को उसने नॉक किया पता नहीं कहाँ से, और मेरी एचपी देख रहे थे। उसके बाद तीन नंबर को नॉक किया, और नॉक करने के बाद देखो वो साला स्कैन करने लगा। स्कैन करने के बाद सोचा होगा कि लौंडा कुछ तो डैमेज हुआ होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि हम यहाँ पे कोने पे बैठे हैं। लेकिन यार डैमेज तो हुए थे, लेकिन ये जैसे ही आया ना, हमने 90 FPS का अच्छे से परिचय देते हुए लौंडे को पेल दिया। अच्छा। और उसके बाद इसका बचा था एक लास्ट टीममेट, और ये देखो वो भी आ गया, उसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके बाद हमको इधर दिखे लौंडे। खैर दोस्तों, ये दूसरा गेम प्ले है, लेकिन हमारे एक दो नंबर खतरे में थे, तो हमने सोचा क्यों न चला जाए रस करने। और उसके बाद यार देखो, जब सामने वाले लौंडो, अरे यार देख लो मार दिन, जब सामने वाले लौंडो नॉक हो ना, तो बंदे सामने वाले में भी डैमेज रहते हैं। तो हम आ गए इधर रस करने, लौंडे को बहुत मारा, लेकिन वो भाग गया और हमको अपने वाला के लिए एक मिल गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और उसके बाद देखो, दो लौंडे रस कर दिए, और हमारी एचपी देख रहे हो, और थोड़ा सा हमारा नेटवर्क का भी गड़बड़ा गया था, एक तरह से पिंग थोड़ा सा हमारा हाई हो गया था। बाकी वो दिख नहीं रहा है अभी आपको। देखो जब आप गेम प्ले खेलते होगे तो ऐसा होता है। तो उसके बाद हमको इधर दिखे लौंडे जो कि जोन के बाहर थे। उसके बाद हमने एक को तो बढ़िया से बना दिया बाचा उसका। और उसके बाद इस लौंडे को देखो, हमारे एक नंबर के ऊपर स्कैन करने जा रहा था, जैसे वो पेटीएम मशीन है। और उसके बाद हम चल दिए रस करने, क्योंकि बचा था लौंडा लास्ट। और अभी देखो हम उसको कैसे मारेंगे। हम जैसे ही इधर आए ना, तभी हमको बंदा दिख गया, ये देखो गीली सूट पहन के भाग रहा है। और हमको मिल गया विनर, विनर चिकन डिनर, यू आर नंबर वन, क्या बात है। और उसके बाद इस वाले गेम प्ले में देखो यार, हम आ गए इधर थर्ड पार्टी के उद्देश्य से, लेकिन यार लौंडे नॉक तो हो गए, लेकिन ये वाला हमारा किल के पीछे पड़ा था। पहले अपने बंदे को रिवाइव ना देगा, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना किल अच्छे तरीके से एक प्रकार से ले लिया। और उसके बाद ये लौंडे खिसिया गए, और ये देखो एक अकेला आ गया रस करने, लेकिन इसको हमने पूरा बजा दिया। और उसके बाद यार अल्फा नाम का लौंडा देखो सामने लेटा है। यार तू अल्फा अपना नाम ही मत रखना। और उसके बाद देखो लास्ट लौंडा बहुत ज़्यादा प्रो था, एक किया ग्रेनेड और उसके बाद घुसी आया। अरे अभी नहीं घुसा, एक सेकेंड आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, ये देखो। लेकिन कुछ भी कहो लौंडा बहुत ख़तरनाक था। अगर हमारा अच्छा खासा डिवाइस ना होता तो हमारा ये बजा देता बाजा। और उसके बाद देखो ये लौंडे रस करने आ गए, लेकिन इनको ब्रेक लगाना आता नहीं था। और उसके बाद हमने इन दोनों को निपटा दिए, और इनके दो लौंडे शायद कहीं और थे, तो अभी चलो उनको भी निपटाते हैं। और उसके बाद जैसे हम इन दोनों को फिनिश किए, फिर से आ गए यार हमारे टीममेट के ऊपर धाबा बोल दिया। और उसके बाद देखो हमने एक लौंडे को नॉक किया, और नॉक करने के बाद यार इसका एक लौंडा और था, वही वाले टीममेट थे, उसके दो टीममेट यहाँ पे, और हम इन दोनों को भी निपटा दिया। और उसके बाद ये देखो लौंडा सड़क बांध जैसे उड़ रहा है, और जैसे उड़ रहा था जहाँ पे लैंड किया वहीं पे हमने इसको, वहीं पे लौंडे को नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद इसका एक और लौंडा था जो कि ये रस करने आ गया, लेकिन यार लौंडे के पास AWM थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें वो चलाना आता नहीं। और उसके बाद बचा था यार लास्ट लौंडा, और जोन तो ओपन में था ना, वो बाहर जा रहा था ना हम। और उसके बाद यार जैसे वो गया हमने उसको फेल दिया, और हमारा हो गया विनर, विनर चिकन डिनर, वो भी 14 किल के साथ। अभी कुछ लोगों को कमेंट आएगा कि यार तुम्हारा 14 किल का गेम प्ले नहीं डाले हो, तो यार हमें भी दिक्कत होती है ऐसे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि साला हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है, और हम एक से एक बढ़िया से क्लच करते रहते हैं उसमें। हमें यही लगता है कि बढ़िया से रिकॉर्ड हो जाएगा, गेम प्ले बन जाएगा, लेकिन हमारे साथ हो जाता है